हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं कि अच्छे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत दिनों से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं अभी इंडियन रेलवे में ड्यूटी कर रहा हूं, और ड्यूटी के बाद दोस्तों मेरा जो भी समय बचता है मैं अपना पूरा पूरी जो है कोशिश करता हूँ कि उसको स्टडी में लगाऊँ, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो नहीं बना पा रहा दोस्तों। लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर से आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों उन भाई लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अपना जो क्वालिफिकेशन उसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है दोस्तों। जब आप इंडियन रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी करें, आप आगे की पढ़ाई करें या कोई भी फॉर्म भरें, तो उससे पहले जो है आपको रेलवे को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आप रेलवे को जो इन्फॉर्म कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को जरूर से कंटिन्यू कीजिए, अंत तक देखिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, हमें इस तरीके का जो है एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, और उसके साथ में दोस्तों जो भी आप जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उस फॉर्म का नोटिफिकेशन का पेज आपको यहाँ पर अटैच करके देना पड़ेगा। या फिर आप दोस्तों अगर आप इग्नू से डिस्टेंस में एजुकेशन करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको ऐसे एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन में दोस्तों आपको जो प्रोस्पेक्टर आता है प्रोस्पेक्टर का जेरोक्स जो है इसके साथ अटैच करके आपको अपना सेक्शन में जाके जमा करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसे उतना मजाक में मत लीजिए। अगर आप लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई भी फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके से जो है आप लोग एप्लीकेशन लिखिए, आपका जो भी विषय होगा उसको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, इस तरीके का एप्लीकेशन लिखिए, उसको अपना सेक्शन में जरूर से जमा कीजिए दोस्तों। और ये वाला एप्लीकेशन जो है आपको 3 कॉपी में लिखना है, या फिर 1 कॉपी आप लिख लीजिए और फिर उसका 2 कॉपी जेरोक्स निकाल लीजिए, क्योंकि 1 कॉपी आप अपने पास रखेंगे रिसीविंग के तौर पर, 2 कॉपी जो है सेक्शन में जाके आपको जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो से कुछ हद तक मदद मिला होगा दोस्तों। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जरूर से वीडियो नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर से आप लोगों के लिए समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।